कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। पैरों पर मेरे चैनल पर सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज जा रही हूँ ट्रेन से मामा घर, क्योंकि मेरा मम्मी इस बार पहली बार छठ कर रही है उसके लिए। तो मामा घर के लिए मैं और मेरे भाई सुबह सुबह उठ के 7 बजे के ट्रेन में निकल चुकी हूँ लोयाबाद के लिए। तो देख ही रहे हैं, वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत मैं, मेरी मम्मी और मौसी, हम चारों निकल गए थे। कुछ सामान बाकी था लाने के लिए, तो वही सामान खरीदने के लिए ताकि कुछ बाद में घट ना जाए। तो हम लोग निकल गए हैं और मम्मी लोग देख ही पा रहे हैं कि मम्मी लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है मार्केट में। छठ की वजह तो मार्केट में बहुत भीड़ भी है और साथ ही साथ हर एक चीज़ का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर फल के दुकान में खड़े हैं, कुछ सामान अंदर से भी लेना था, तो इसी की वजह से मौसी यहाँ पर जो है वो देखने गए हैं हम लोग अंदर। और फल दुकान से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए। मैं कपड़ा जो है तो वहीं पर जा रहे हैं, कोई मौसी बोलिए कोई अच्छा सा दुकान है तो बस वहीं पर हम लोग जा रहे हैं ताकि मम्मी लोग के लिए कपड़ा ले पाए। कपड़ा खरीदने के बाद हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर पानी पूरी खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। तो भूख लग गई से सोचे कुछ खा लेते और थक भी गए थे, और फिर वहाँ से निकल के आ गए हैं पूजा का दुकान में। पूजा का कुछ सामान बाकी था, वही सामान सब खरीदने के लिए। तो पूजा का दुकान में भी बहुत भीड़ है क्योंकि छठ का टाइम है, सब लोग सामान खरीद रहे हैं। और फिर हम लोग आए हैं एक दुकान में जहाँ पर मौसी कुछ सामान ले रही है अपने लिए छठ के लिए, झुमका वगैरह। तो वहीं पर हम लोग आए थे झुमका वगैरह देखने के लिए। देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर सामान है और हम लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। अब हम लोग घर आ चुके हैं और घर आते ही थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद शाम का भी तैयारी करना है, तो इसी की वजह से शाम का तैयारी के लिए फिर हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए। और फ्रेश व्रेश होने के बाद ये रूम देख रहे हैं, यह है पूजा का रूम। मम्मी मौसी और नानी का जो दिया जल रहा है पूजा के लिए, ये लोग आज से पूजा स्थापना किए हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना गाँव का लोग हैं इन्वाइट किया हुआ है, सब लोग आया हुआ है और यहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जितना भी गाँव का लोग को बुलाए हैं सारे लोग आए हुए हैं, ये मौसी लोग हैं। और ये देखिए हम लोगों का ये है प्रसादी जो अभी बटेगा। और देखिए ये जो आए कुछ फैमिली मेम्बर भी हैं, कुछ गांव का भी हैं, और हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पर जो है बांट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। और दें। कोई भी चम्मच देने से मतलब है?
ये वो समझ ना लगता जीसा है हैं वाला असल भाई लोग भी आए थे, मतलब मौसी का बेटा बेटी उन लोग आए हुए थे प्रसादी खाने के लिए। तो सब लोग बाहर में हम लोग बैठ के गप सड़ाका कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।